नमस्ते दोस्तों, मैं सुमिला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं सुबह के टाइम पे यहीं पे आई हूँ। सुबह तो नहीं बोल सकते, 11 बज चुके हैं, तो इस टाइम पे मेरे यहाँ पे धूप बहुत देर में आती है। मेरे पीछे के पीछे वाली साइड में जहाँ पे मेरे पीछे गमले रखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए अभी तक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए धूप नहीं आ रखी है और इस साइड में हल्की हल्की धूप आना शुरू हुई है अभी, तो इस साइड में बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और आप मैंने यहाँ पर देखिए बाल्टी पूरी मेरी, ये देखिए पूरी मेरी एक बड़ी सी बाल्टी भर के मैंने यहाँ पर किचन के वेस्ट, जो किचन से हमारा निकलता हमारा वेस्ट जो हम सड़कों में ना फेंक के अपना हम यूज़ में लेके आते हैं, ये देखिए मैं खाद बनाया है। ये है मेरी ब्लैक गोल्ड, जिसे बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। ये देखिए ये कितनी भुरभुरी है और मैंने कितनी अच्छी खाद मेरी ये तैयार हुई है। इसमें कोई बदबू नहीं है और कोई कीड़े इसमें नहीं है और देखिए खाद कितनी अच्छी मेरी बनी हुई है। तो इस खाद को हम किस तरीके से बनाती हूँ मैं वो आपको मैं आज बताऊँगी इसमें इस वीडियो में। ये देखिए बहुत अच्छी खाद मेरी तैयार हो रखी है, ये देखिए ब्लैक गोल्ड। तो चलो फिर मैं दिखाती हूँ फिर आपको मैं किस तरीके से ये कहाँ पर मैं बनाती हूँ और किस तरीके से किस बाल्टी में मैं बनाती हूँ। वैसे तो घड़े में भी बन जाती है, पहले मैं घड़े बनाती थी पर घड़े में जो है कम क्वांटिटी में बनता था। तो ये देखिए ये मेरी है, ये देखिए 50 लीटर की बाल्टी है, इसी में मैं बनाती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने होल हो रखे हैं, मेरे होल मैंने ये देखिए जगह जगह मेरे होल करे हैं। ये होल करना बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर खाद बनाने का जो हमारा चलता रहे तरीका जो हमारा अंदर से, तो उसमें हवा अंदर बाहर पास होती रहे, इसलिए ये होल बहुत ज़रूरी होते हैं बनाने। मेरे बहुत सारे चारों तरफ मैंने इसके होल बना रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए चारों तरफ मेरे होल बने हुए हैं। पूरी बाल्टी में मैंने नीचे से ऊपर तक पूरे में मैंने होल बना रखे हैं, ये देखिए। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है और जो वेस्ट पानी निकलता है इसके लिए देखें जो वो भी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए ये मैंने इसके नीचे लगा रखा है ताकि इसके नीचे जो भी हमारा वेस्ट पानी है निकलता है लिक्विड, उसको हम अपने पौधों में डालने के लिए वेस्ट ना जाए उसमें इकट्ठा होकर मैं अपने पौधों में डाल देती हूँ। तो यहीं पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरी बाल्टी है ये देखिए, और ये मैंने खाली कर लिया क्योंकि वो जो मेरा खाद बना है वो मैंने बना के अलग से दूसरी बाल्टी में डाल दिया। तो अब ये मेरी बाल्टी फिर से खाली हो गई है और ये नीचे देखिए मेरा इसमें है, ये मैं दिखाती हूँ यहाँ पर ये मिट्टी है, देखिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी रह गई है इसमें, जो खाद मैंने बनाया था वो नीचे से चिपका हुआ था तो मैंने निकाल दिया है। थोड़े थोड़े मेरे सूखे पत्ते इसमें डाले हुए, तो एक लेयर हमारी इसकी हो जाएगी, ये देखिए इसकी हमने ये एक लेयर हमारी मिट्टी की हो गई है, ये देखिए। और इसके ऊपर से हम ये डालेंगे थोड़ी सी इसमें एक मिट्टी की और मैं थोड़ी सी लेयर इसमें डाल देती हूँ ताकि बराबर हो जाए, ये देखिए। और ये है मेरा किचन वेस्ट, ये देखिए ये मेरा किचन वेस्ट है, इसको मैं ऊपर से मैं इसको डालूंगी एक लेयर मैं इसकी डालूंगी गीला, जो मेरा गीला वेस्ट है इसकी मैं एक लेयर इसकी मैं डाल देती हूँ, ये देखिए मेरा ये गीला वाला ये मेरा मैंने चारों तरफ से इसको डाल दिया है। ये देखिए जो भी आपके किचन से निकलता है फलों के और सब्जियों के छिलके आप इसको एक जगह इकट्ठा करके रख लें और फिर बाद में इस बाल्टी में डाल लें जो आपका किचन वेस्ट बन रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा फिर से इसमें एक थोड़ी सी लेयर एक मिट्टी की मैं मिलाती हूँ हल्की सी, ज़्यादा नहीं डालना है, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है हल्की हल्की मिट्टी ऊपर से। और ये हमारे का ये मेरी अंडे की ट्रे है, देखिए ये अंडे की ट्रे मेरी रखी हुई है ये है, तो ये अंडे की ट्रे मैंने तोड़ तोड़ के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और ये देखिए इसको भी मैंने इसमें मिला लिया। साथ में मेरे एक ब्राउन पेपर था उसके भी मैंने टुकड़े पीस पीस कर लिए हैं, ये देखिए, और वो भी मैंने इसमें मिला लिया है इस तरीके से। और इसके ऊपर फिर मैं थोड़ी सी एक लेयर फिर मिट्टी की डालूंगी, ये देखिए थोड़ी सी मैंने इसमें मिट्टी की ताकि ये आराम से डिकम्पोज हो जाए पत्ते भी, ये मैंने डाल लिए हैं। यहाँ पे हैं मेरे सूखे पत्ते, ये देखिए ये मेरे सूखे पत्ते हैं, ये मैं अलग से इस बाल्टी में इकट्ठा करके रखती हूँ। ये हमारी ये गमला ही है मेरा, ये इसमें मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो एक लेयर मैं अब इसकी डालूंगी। सूखा आप तो हमारे जैसे सारी चीज़ें जो हमारी अब निकलने वाली हैं, हमारी बेलें वेलें जो निकलेंगे, हमारी जो कटिंग वटिंग जो निकलती है उसको भी हम साइड में इकट्ठा कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारी सूखी खाद बनती रहती है, यानी कि पत्तों की खाद मेरी ये बन रही है और किचन वेस्ट मेरा ये बन रहा है। किचन वेस्ट से जो खाद तैयार होगी ब्लैक गोल्ड वो मेरा यहाँ पर तैयार होगा। तो ये देखिए इसमें मैंने सूखी पत्तों की लेयर डाल दी है, इसके ऊपर हम अब किचन वेस्ट डालेंगे। किचन अभी मेरे पास है नहीं, जब फिर मैं इकट्ठा करूंगी फिर उसके बाद मैं इसमें एक लेयर किचन वेस्ट की डालूंगी,
फिर ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। इस तरीके से एक लेयर गीला एक सूखा, इस तरीके से मैं करती रहूंगी। तो हमारी ये बाल्टी में हमारा किचन वेस्ट तैयार हो जाएगा आराम से। थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे भी हम डालते रहेंगे। अगर आप डालना चाहें गुड़ का लिक्विड पानी तो आप गुड़ का लिक्विड पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं ताकि ये तेज़ी से बनना शुरू हो जाए, पर मैं नहीं डालती हूँ। मेरा खाद तो बिल्कुल ऐसे ही बनता है। थोड़ा थोड़ा हल्का सा इसमें पानी का छिड़काव करना है बस हमें, और कुछ नहीं करना, कुछ डालना नहीं है। तो इस तरीके से ही मेरा जो मेरी खाद मैंने आपको पहले दिखाई थी वो इस तरीके से ही मेरी खाद बनी है। तो इसको फिर इसके बाद जो मेरा प्लास्टिक के ये मेरे कवर हैं ये देखिए, इससे मैं हल्का सा इनको कवर कर लेती हूँ। खुला नहीं छोड़ना इसमें, और छाया वाली जगह में इसको रखना है जहाँ पे हमारा किचन का वेस्ट का हम खाद बनाते हैं उसको हमें छाया वाली जगह में रखना है। देखिए मेरे यहाँ पे छाया है और यहाँ पे मेरा पेड़ है ये देखिए, तो यहाँ पे मेरी धूप नहीं आती है तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। इस तरीके से मैं इसको पॉलीथीन से मैंने इसको कवर कर लिया है जो प्लास्टिक मेरे पास पड़े हुए हैं इस तरीके से, और इसी के ऊपर मैंने इसको फिर एक सपोर्ट के लिए मैंने इसको ये भी रख लिया है ताकि ये कोई उड़े ना, ये देखिए। तो इस तरीके से मेरा ये किचन वेस्ट मेरा तैयार होता रहेगा। बस एक लेयर हमें मिट्टी की, उसके बाद हमको किचन वेस्ट डालना है, फिर उसके ऊपर सूखा डालना है, फिर उसके ऊपर गीला डालना है, उसके ऊपर सूखा डालना है। इसी तरीके से हमारा ये किचन वेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा, हमारा ब्लैक गोल्ड। पर टाइम लगता है, 4-5 महीने तो ज़रूर लगेगा जब तक आपकी बाल्टी पूरी यहाँ तक भर जाती है, पूरी मेरी यहाँ तक हो जाती है, फिर बनते 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 वो यहाँ तक बन जाता है। तो फिर उसके बाद हमारा किचन वेस्ट तैयार हो जाता है, फिर इसको हम बाल्टी को हम खाली कर लेते हैं। और सीधा मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपना बना हुआ जो है, ये आपको मैंने बाल्टी दिखाई मेरी खाली हो गई है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ये देखिए ये ब्लैक गोल्ड मेरा तैयार हो रखा है। अब मैंने पौधे जो तैयार करूँगी, मिट्टी जो मैं बनाऊँगी अब उसमें मैं ये उसको डालूँगी मिट्टी में मिक्स करके, ये देखिए बिल्कुल। और इसमें थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए, हमारा जो ये खाद है बिल्कुल बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए, नमी हल्की हल्की नमी होनी चाहिए इसमें, ये देखिए। इस तरीके से मेरा ये बन गया है, ये देखिए। तो यही मेरे यही तरीका है मेरा खाद बनाने का, इसी तरीके से मैं अपनी खाद बनाती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।